चैनल फिटनेस अनलिमिटेड। पैकेज फूड में बहुत ज़्यादा सोडियम होते हैं, बहुत ज़्यादा कैलोरी रिच होते हैं, उनको उनमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में डाले जाते हैं। ये आप इमेजिन कीजिए, अगर हम घर में कोई चीज़ बनाते हैं अगर 3-4 घंटे अगर छूट जाए तो वो ख़राब होनी शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गर्मी में बैक्टीरियल ग्रोथ है वो तो फास्ट है ही, लेकिन उसमें इतनी कैलोरीज होते हैं कि बैक्टीरियल ग्रोथ शुरू हो जाते हैं, आप फूड को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। उसी सीजन में अगर आप कोई पैकेज्ड फूड लेकर आते हैं तो वो बड़े आराम से आपको काफ़ी दिनों तक फ्रेश रहते हैं। तो आप ज़रा ये सोचिए, जिस फूड को बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी नहीं खाना पसंद करते हैं, अगर हम इंसान उनको खाएंगे तो आपकी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए पैकेज्ड फूड बिल्कुल अवॉइड करें। पैकेज्ड मीट जो है उसमें चूंकि बहुत प्रिजर्वेटिव होते हैं, जब हम जनरल वेजिटेबल्स एंड फूड्स पैकेज्ड अवॉइड करते हैं तो पैकेज्ड नॉन वेजिटेरियन कितने ज़्यादा अनहाइजीनिक होते हैं ये आप इमेजिन कर सकते हैं। एक चीज़ मैं बता दूँ, किसी भी पैकेज्ड फूड में जितने ज़्यादा न्यूट्रिशन मेंशन होते हैं या जितने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स मेंशन होते हैं वो उतने ही कम न्यूट्रिशन वाले प्रोडक्ट्स होते हैं।